Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. Breast reconstruction following cancer surgery, mastectomy, ये काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट के ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है, उनके मन में एक भाव आ जाता है कि उनमें कुछ कमी है, और जस्ट बूस्ट ऑफ देयर मॉरल, बूस्ट ऑफ देयर बॉडी इमेज, बूस्ट ऑफ देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके लिए हम लोग जो एडवाइस करते हैं वो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी की करते हैं कि नया ब्रेस्ट आपको बना दिया जाए। लेकिन जो प्रश्न उठता है रिसेंटली, हमारे पास एक प्रश्न आया है पेशेंट का, वो ये जानना चाहते हैं कि कितने दिनों बाद ये सर्जरी हम करा सकते हैं। अगर आज हमने मास्टेक्टोमी करा ली कैंसर के लिए, तो हम इसके कितने समय के बाद आप रिकन्स्ट्रक्शन इसका करना चाहेंगे। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी सर्जरी होती है, तो उसके बाद जो टिश्यूज़ होते हैं वो इंजर्ड होते हैं, चोट लगी हुई, जैसे आपको कोई घूसा मार दे तो आपको चोट लगेगी, और उसको फिर सेटल होने में कुछ दिन का टाइम लग जाता है। तो वैसे ही ऑपरेशन के बाद जो ब्रेस्ट टिश्यू है, इसको एक चोट लगी होती है, इसमें स्वेलिंग होती है, स्कार जो होते हैं ये अभी मैच्योर नहीं हुए होते हैं, सब सिकेटिकल प्लेन नहीं बना होता है, तो इसमें कई चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम जो टिश्यूज़ को एक चांस देते हैं, टाइम देते हैं, 3 से 6 महीने का टाइम देते हैं, जिससे कि पूरी बॉडी उस एरिया के टिश्यूज है पूरी तरह से सेटल हो जाएं, एडिमा कम हो जाए, स्कार जो है थोड़ा मैच्योर होने लगे और सब सिकेटिकल प्लेन बनने लगे, जैसे मैंने आपसे कहा था। तो 3 से 6 महीने का टाइम अगर आप देते हैं जिसमें टिश्यू की हीलिंग अच्छी हो जाए, उसके बाद फिर हम ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं या उसको नई ब्रेस्ट बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो अगर आपने जो पूछा, तो मैं ये आपसे यही कहना चाहूँगा कि 3 से 6 महीने का टाइम है, लेकिन कम से कम 3 महीने आपको वेट करना चाहिए, ये मेरी राय है। कई लोग जल्दी भी करते होंगे, लेकिन मिनिमम 3 महीने जरूर वेट करने को बोलता हूँ, और आइडियली 3 to 6 months टाइम है जो मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेरी हमारे पास आई थी, प्रश्न आया था ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में, तो मैं उनके प्रश्नों का काफ़ी हद तक उत्तर देने में सफल हुआ हूँ। लेकिन इसके अलावा ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई भी शंका है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।